मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सकें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। और आज हम सीखेंगे ब्रेड रोल्स बनाने की रेसिपी, और ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और ये आलू के ब्रेड रोल्स आज हम बनाएंगे, और ये बिल्कुल ही इजी है। आप देखिए इसकी रेसिपी और ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं, और ये आलू मैंने बॉईल करके रखे थे। ये 6 बड़े आलू मैंने ले लिए हैं और ये बॉईल कर लिए थे, और इनको अब मैं मैश कर लूँगी अच्छे से। फोक की सहायता से मैश कीजिए, और थोड़े बहुत चंक्स रह जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत चंक्स रहने चाहिए इसमें ताकि इसका टेक्स्चर आए। एकदम से स्मूथ मत कर दीजिएगा इसे, नहीं तो ये खाने में इतने अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे समोसे में थोड़े बहुत चंक्स रह जाते हैं, इसमें भी चंक्स रहने चाहिए। तो यहाँ मैंने हरा धनिया ले लिया है, हरा धनिया बहुत अच्छी मात्रा में मैंने लिया है, आधा कप कम से कम। और यहाँ मैंने पुदीना लिया है, ये फ्रेश पुदीना है, मिंट लीव्स हैं, और ये भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डाल दी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ग्रीन चिलीज़ ली हैं, 3 ग्रीन चिलीज़ ली हैं और बिल्कुल बारीक काट ली हैं। आप अगर हरी मिर्ची ना खाना चाहें तो बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हैं इसको, और बिल्कुल मत डालिए ग्रीन चिलीज़। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, ये तीखे होते हैं तो आप इसमें डालिए। और ये छोटा चम्मच मैंने ये काला नमक डाला है, काले नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच मैंने प्लेन सॉल्ट डाला है, सादा नमक। ये आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें भुना पिसा जीरे का पाउडर डाल दिया है, और ये मिंट पाउडर डाला है, सूखे पुदीने का पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच, और ये साथ में मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच। और ये अब हमारे सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं, नमक भी डल गया है, मिर्ची भी डल गई है, पुदीना भी डाल दिया है, हमने ड्राई मिंट भी इस्तेमाल किया है इसके अंदर, और इसके साथ साथ फ्रेश मिंट भी इस्तेमाल किया है, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके अलावा हमने इसमें मैंगो अमचूर पाउडर डाला है, जिसको मैंगो पाउडर भी बोलते हैं ड्राई, और उससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा इसका। और ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, जो हमें फिलिंग भरनी है अंदर। अब इसके हमको ये रोल्स बनाने हैं, तो ब्रेड मैंने ले ली थी और इसके चारों तरफ के मैंने ब्राउन पार्ट हटा दिए थे, और इसको पानी में डिप करके और थोड़ा सा प्रेस करके इसका पानी निकाल लिया, और इसके अंदर एक सफिशिएंट मात्रा में स्टफिंग भर के, और इसको आप ऐसे रोल कर दीजिए। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे इसको पुश कीजिए अंदर को ब्रेड को, और ये सॉफ्ट हो जाती है पानी में डिप करने से। आप चाहें तो मिल्क में भी डिप कर सकते हैं, प्लेन मिल्क में, और इस तरीके से रोल्स बना लीजिए। देखिए ये तेल गरम हो गया है हमारा, और मैं एक छोटा सा ब्रेड का पीस इसमें डाल के देख लूँगी कि ये गरम हो गया है कि नहीं। हमारा ऑयल बिल्कुल गरम है, तो आइए इसके अंदर अब हम अपने ब्रेड रोल्स डाल लेते हैं। बहुत ही सावधानी से इसके अंदर मैं ब्रेड रोल्स डालूँगी, और इसको 2 मिनट तो ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसको पलट के और फिर तल लेंगे। ये हाई फ्लेम पे ही तलना है हमें, और बिल्कुल खौलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, मीडियम ऑयल होना चाहिए गरम, और इसको अच्छे से तल के ब्राउन कलर बिल्कुल अच्छा सा करके और उतार लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारे ब्रेड रोल्स बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। इसे मैंने ग्रीन चिली के सॉस और टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है, और ये अब मैं प्याज के लच्छे डाल रही हूँ इसके साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं और डेकोरेशन का पर्पस भी बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। डेकोरेट भी कर सकते हैं आप इसके साथ इसको, और थोड़ा सा मैं ऊपर से चाट मसाला डालूँगी, और ये देखिए मैंने चाट मसाला सब पे थोड़ा सा डाल दिया है, इससे और चटपटे हो जाएंगे हमारे ब्रेड रोल्स। तो ये ब्रेड रोल्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं, आलू के ब्रेड रोल्स। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल पर। कमेंट करना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है आपको। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। आप ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे, और ये दूसरी रेसिपीज़ हमारे चैनल की जो आप देख सकते हैं।